बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। क्लास सेवन साइंस का दूसरा चैप्टर है रेस्पिरेशन। तो आप लोगों के जो साइंस है उसमें इतना ब्रीफली उन्होंने वो नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये लोअर क्लास हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ईजी हो सके। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन बेसिकली ये जनरली हम लेते हैं कि दिस इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इसको कहते हैं कि द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ओके, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसे हम कहते हैं कि दिस इज द रेस्पिरेशन। ओके, अब ये बात ठीक है कि रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये एक स्टेप में रिलीज नहीं होती। रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप्स हैं कि जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म सिस्टम्स हैं, यही सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर जाते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो हेल्दी बॉडी होती है वो यही सब काम एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने हैं। ओके, सो बेसिकली रेस्पिरेशन के टू टाइप्स हैं। There are mainly two types of respiration. आसान लफ्जों में एक को हम कहते हैं internal respiration और दूसरा जो है उसे कहते हैं कि this is the external respiration. हाँ, external respiration. Okay. अब नाम से जाहिर है कि इंटरनल रेस्पिरेशन मीन दैट द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्ड इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द लिविंग बॉडी। इसका मतलब ये है कि ये वो किस्म का फिनोमिना है, वो किस्म का रेस्पिरेशन है जो बॉडी के अंदर होता है। इंटरनल मीन इनसाइड। ओके, इसकी डिफिनीशन आप लोग अपनी कापियों में यू सिंपल अल्फाज में लिखिएगा कि द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्ड इनसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी। ओके, लिविंग बॉडी के, लिविंग बॉडी के अंदर होता है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तरफ आते हैं। एज द नेम इंडिकेटेड, जिस तरह के नेम से जाहिर है कि एक्सटर्नल मीन दैट कि दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्ड आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी। ओके, आउटसाइड का मतलब ये नहीं है कि मतलब बॉडी से बाहर होगा, बाहर एनवायरनमेंट में होगा, बल्कि इसका मतलब यही है कि ये सेल के अंदर होता है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होता है, मतलब सेल के अंदर होगा। कहाँ होगा? माइटोकांड्रिया में होगा। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि ये बाहर जितनी भी ऑर्गन लगे हुए, ओके, आपकी नोज है, नसल कैविटी है, ठीक है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रीकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, एलोलाई मुख्तलिफ किस्म के लगे हुए हैं, तो ये वहाँ पे होगा। अब आपकी आसानी के लिए एक ओवरव्यू देनी है, तो इसके लिए इंटरनल रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं कि दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और दूसरा जो है वो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फूड की फॉर्म में लेते हैं, तो वो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो ब्लड के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है, इसकी तोड़फोड़ होती है, और वही तोड़फोड़ किसकी मौजूदगी में होती है? वही तोड़फोड़ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल लेते हैं। दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके, C6H12O6 plus O2, it mean that कि ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व है, प्लस ओ टू, तो ये क्या देगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। हमें बेसिकली एनर्जी रिक्वायर है,
एनर्जी किस लिए रिक्वायर है कि जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं या जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस कौन से हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, उसमें खुराक हजम होती है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, थिंकिंग सोचते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इसी कंजम्पशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वही एनर्जी जो है हमें कहां से मिलती है, हमें ग्लूकोज से मिलती है। ओके, दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि व्हाट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए कि एन का मतलब क्या है, एन का मतलब ये इसके अपोजिट यूज होता है, ठीक है, एन का मतलब कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के कंप्लीटली अपोजिट है। तो इसकी डिफिनीशन हम यू लिखेंगे कि द टाइप ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे होता है, सेल के अंदर होता है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्ड विदाउट ऑफ ऑक्सीजन। एन वहां पे ऑक्सीजन था, यहां अब इस ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, ओके, तो ये क्या होगा, विदाउट ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय विदाउट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि हम जो कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या हम एक नॉर्मल लेवल से कोई काम ज्यादा करते हैं, सपोज एक क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट एक नॉर्मल लेवल पे खेलता है, लेकिन जब वो अपने क्रिकेट को इंक्रीज करता है, मतलब बॉलिंग करता है, ठीक है, या फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल करता है, तो पता ही क्या होता है कि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और वही जो एनर्जी होती है तो वो हमारी बॉडी जो एक नॉर्मल तरीका है वहां से पूरा नहीं हो पाता, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से आएगी, लेकिन ऑक्सीजन के मकदार कम है, तो इसी मकदार को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह करेगी, चलिए इसकी भी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल लेते हैं। ओके, सपोज ये ग्लूकोज है, ठीक है, अब ग्लूकोज को तोड़ना भी है, ग्लूकोज को क्या करना है, तोड़ना है, तो अब ग्लूकोज को हम कैसे तोड़ेंगे, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये सिंपल, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपका जो लेवल है वो बहुत मतलब एक लो लेवल है, तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, ओके, प्लस CO2 बनेगा, तो ये लैक्टिक एसिड बेसिकली ये एसिड है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बहुत काम कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी या मसल्स के अंदर दर्द होता है, ये दर्द जो बेसिकली होता है, ये दर्द इसी वजह से होता है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होता है, और वही एन एरोबिक रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी के अंदर मसल के अंदर तेजाब बन गया होता है, एसिड बन गया, तो उससे फटीक सा होता है, दर्द सा होता है, तो उसको हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तरफ, के व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मजीद दो में तकसीम हो चुका है, ओके, एक को कहते हैं ब्रीथिंग, ओके, क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, घबराने की बात नहीं है, एक एक को हम इजीली एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीथिंग। दूसरा है वो है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ओके। अब ब्रीथिंग है क्या, ब्रीथिंग सिंपली जब हम सांस लेते हैं, ओके, हम सिंपली सांस लेते हैं इसी तरह, तो इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, ओके, ब्रीथिंग इसको हम कहते हैं। और गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर गैसों का तबादला होता है, हमारे बॉडी के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, गैसों का तबादला इस वजह से होगा कि सपोज मैं एक बनाता हूं, ठीक है, ओके, दिस इज द ह्यूमन, तो यहां पे लंग्स जो है, लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ऑक्सीजन अंदर आएगा O2 और CO2 बाहर जाएगा, ओके, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द, और ये गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, ये गैसियस एक्सचेंज, फिर फर्दर इसके दो टाइप से इसको स्टडी करते हैं, लेकिन इससे पहले ब्रीथिंग पे आते हैं। सांस का लेना, ओके, सांस का लेना, ये दो स्टेप्स में तकसीम हो चुका है, एक इनहेलेशन और दूसरा जो है वो है एक्सहेलेशन, ओके, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब ये है कि द मोमेंट
of air, it means that oxygen inside to the body. Definition कैसे लिखेंगे? The moment of air. Air mean oxygen inside to the body, के body के अंदर जाए, इसको हम inhalation कहते हैं. अब इसके उलट exhalation का भी लिख देते हैं. Exhalation का मतलब ये है कि the moment of air. Air mean CO2 from body to the environment. Okay, तो इसको हम कहते हैं कि this is the exhalation. तो इस phenomena को हम कहते हैं कि breathing. याद रखिए students की breathing जो है ये एक physical method है, ठीक है, हमारी body के अंदर से easily ये हो जाता है. अब आते हैं gaseous exchange की तरफ, आपका जो last है इसको थोड़ा सा discuss करते हैं. याद रही है कि gaseous exchange से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं. वो पॉइंट क्या है? उस पॉइंट को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सिंपली डिफिनेशन लिखे, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, मिनरल सॉल्ट भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकते हैं, ठीक है, गैसेस जितनी भी है CO2 O2 ओके ये भी हो सकते हैं. मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, इसको मैं समझाता हूं आप लोग, हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, ओके. इसका मतलब यह है कि सपोज मैं एक मिसाल लेता हूं, एक डैम है, ठीक है, तो डैम जब एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो पावर हाउस में ये जमा होता है. वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से सोर्स से ये घरे और ऑफिसेज जितनी भी हैं, ठीक है, स्कूल्स कॉलेजेस, तो वहाँ से आ जाता है. तो ये एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है. या सपोज़ एक और आसान मिसाल मैं लेता हूँ, ठीक है, सपोज़ ये गिलास है, ये गिलास मैंने पानी से भरा हुआ है, ठीक है, तो एक सिरे पर मैं क्या करता हूँ कि एक इंक की ड्रॉप डालता हूँ, तो वो इंक अगर आप इसे स्टीरिंग ना करें, इसे हिलाए मत, तो वो पूरा पहलेगा. दिस इज द डिफ्यूजन, ओके. अब गैसियस एक्सचेंज जो है ये प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स और दूसरा जो है एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स. प्लांट में कैसे होता है? आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है कि सपोज ये लीफ है, ठीक है, सपोज ये लीफ है, ओके, दिस इज द लीफ. कमजी पूरी नखकारी दाख कर रही थी. हाँ, ओके, रीजन लान देना खकारी, ओके. तो इसे हम कहते हैं कि दिस इज द डिफ्यूजन, ओके. ये डिफिनीशन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है. वीडियो जो वीडियो है उसमें डिफ्यूजन का डिफिनीशन नहीं आया, तो चले मैं दोबारा लिख देता हूं, ओके. डिफ्यूजन, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, ओके, के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है उसे कहते हैं कि दिस इज द डिफ्यूजन, ओके. नाउ अब आते हैं कि प्लांट्स में कैसे होता है, ओके. प्लांट्स में तो जाहिरी बात है कि प्लांट्स, अगर मैं एक लीफ की मिसाल लेता हूं, ठीक है, सपोज दिस इज द लीफ, ओके, तो लीफ के जो एपिडर्मल है उस पे यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यू सुराख होते हैं, तो उस सुराख को स्टोमा कहते हैं, दिस इज द स्टोमा. यहाँ पे दूसरे सेल्स लगे होते हैं, उसे गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स, हिफाजती सेल्स, ओके. तो इस स्टोमा से गैसों का तबादला होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो CO2 अंदर आता है, ठीक है, और O2 जो होता है वो O2 बाहर जाता है. लेकिन जब
रिस्पिरेशन होता है तो O2 जो है O2 अंदर आता है, ठीक है, और CO2 जो है वो बाहर जाता है, उलट फिनामिना होता है। अब आते हैं कि ये प्लांट्स कहाँ पे होता है, स्टोमेटा में होता है, स्टोमेटा। ओके, अब एनिमल्स का एक छोटा सा रहता है, इसको एनिमल्स का भी लिख देते हैं, ठीक है। एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज, एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है, एलोलाई। एलोलाई क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द लंग्स। ओके, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, सपोज ये एलोलाई है। ओके, तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है कि CO2 जब बॉडी से यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, बॉडी जमा कर देती है तो CO2 इसको देता है, तो ये CO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। ओके, और O2 की ज़रूरत जब होती है तो O2 बाहर से अंदर चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आप लोगों का टॉपिक रिस्पिरेशन साइंस जो है वो एक्सपर्ट की साइंस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ था, तो उस पूरे चैप्टर से ये एक निचोड़ है। निचोड़ किस तरह है कि मतलब रिस्पिरेशन बेसिकली है क्या, रिस्पिरेशन बेसिकली जो है वो एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ओके, फिर उसके फर्दर टाइप्स है, एक एक टाइप को हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर, माय नेम इज सलाहुद्दीन एंड हियर आई एम टीचिंग साइंस एंड आई एम इज अ साइंस टीचर। ओके, थैंक यू।